गलत जगह तो पसंद आ गई मुझे लोग। देशानंद मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं ये कहूँगी कि मतलब आने वाली जो जनरेशन हैं जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक सपना लेके जो आते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मूवी है। इट्स अ मूवी विद अ मैसेज, सो नो बडी शुड यू नो लीव दिस मूवी। मूवी देखना चाहिए, वेरी इंस्पायरिंग। एवरी कैरेक्टर, निहाल जी का कैरेक्टर, सीरी प्रहलाद, सब ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, आई हैव एंजॉयड इट। इट्स अ वेरी एंगेजिंग कॉन्टेंट, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो काफ़ी अच्छे थे और मेरे को मतलब जब मतलब हर बार बार जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे निहाल जी, तभी जिस तरीके से वो उठ के भी हार नहीं मान रहे थे, मतलब इतना बड़ा जो सेटअप उनके जो दिमाग में था, इतना बड़ा एम्पायर जो उन्होंने खड़ा करना है, वो मतलब वो करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब इस तरीके का उनके अंदर जो जज्बा था वो बहुत अच्छा लगा। इट्स एन अमेजिंग मूवी, सबको देखनी चाहिए। एक्शन बहुत अच्छी लगी, बहुत ही दमदार एक्शन था और मतलब इवन जो फैमिली सीन्स थे, जो लेडीज़ जो मतलब काफ़ी घर के जो लेडीज़ है काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब कोऑपरेट कर रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब कितना ज़रूरी है घर का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इसको आउट ऑफ 5 5/5 दूंगी एंड बहुत अच्छे, मतलब विजय जी का जो एक्टिंग जिन्होंने किया है बहुत अच्छा है। मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है, मैंने तो ये मूवी एक बार देखी है बट अभी जाने के बाद मैं फिर जाके वो मूवी देखूंगी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर विजयन मूवी तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे और इट्स ए वेरी इंस्पायरिंग मूवी। इससे एक सीख मिलती है कि लाइफ में जो भी करो हार्ड वर्क करो, शॉर्टकट मत मारो, ये मुझे इंस्पायरिंग मिले। एक्शन एंड डायरेक्शन इज वेरी नाइस, आई लाइक इट। निहाल जी इज ए यंगस्टर एंड इट इज़ आई थिंक इट इज़ सेकेंड मूवी उनका और इज ए गुड सुपरस्टार इन फ्यूचर। 5। थैंक यू सर। सो फैंटास्टिक मूवी एक्चुअली, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन दी बायोपिक, सो ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन। एक ये मूवी रियल स्टोरी है, विजय जी के बारे में क्या कहना है आपको?
someone from a small town is coming up and making it so big, वो अपने अपने एक अचीवमेंट है. एंड इट वॉज लाइक गेटिंग द ट्रू फैक्ट्स टू द पब्लिक. बहुत अच्छा मूवी था. निहाल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? Awesome acting. Acting अच्छा किया उन्होंने. Awesome. और डायरेक्शन कैसे थे मूवी के? Fantastic. और इट्स अ गुड पार्ट जो आपके दिल में छू लिया. बहुत सारे सीन्स इन फैक्ट बहुत सारी चीज़ें. आउट ऑफ फाइव कितना स्टार देना चाहोगे विजय जी को? सॉरी विजय जी को आउट ऑफ फाइव कितना स्टार देना चाहोगे? सॉरी आई एम नॉट गेटिंग. आउट ऑफ फाइव कितना स्टार देना चाहोगे विजय जी? आउट ऑफ फाइव फाइव. और मूवी को? फाइव. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स. मूवी एक नंबर है. बहुत ही प्रेरणादायक है. सफल फिल्म है. 100 में से 100 नंबर. एक बहुत ही शानदार स्टोरी है और मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ आनंद सर को भी. बहुत बहुत शुभकामनाएँ VRL ग्रुप को. बहुत शानदार फिल्म है. एक नंबर फिल्म. सबकी एक्टिंग बहुत शानदार बेहतरीन एकदम जबरदस्त. डायरेक्शन एक्शन राइटिंग सब कुछ बेमिसाल. 5 में से 5. पाँच. मूवी कैसी लगी आपको विजय आनंद? मूवी बहुत अच्छी थी. बड़ी इंस्पायरिंग थी. यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है. मैं खुद इंस्पायर हो गया इसे देख के. तो मुझे भी अब जोश आ रहा है कि कुछ ना कुछ अब बिजनेस मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए. सो इट्स अ वेरी नाइस मूवी एंड वन शुड वॉच इट टू गेट मोटिवेशन. बिल्कुल. उनके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं था. मुझे तो VRL का मतलब इतना कुछ आइडिया नहीं था. पर ये देखा मैंने तो पता चला कि कितने मोटिवेटेड थे वो. और आपको लाइफ में कुछ करना है तो हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी जो मैंने इस मूवी से सीखा और विजय जी से सीखा है. सो यार निहाल जी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्टिंग था उनका. बहुत अच्छा उन्होंने कराया काम. तो इट वॉज रियली गुड. एक्शन कैसे थे मूवी में? सॉरी एक्शन बहुत अच्छा था. मैं बताऊँ तो स्क्रीन प्ले लिरिक्स एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. मतलब एक अप टू द मार्क जो मूवी रहती है 100 out of 100 बिल्कुल वैसी थी. डायरेक्शन स्क्रीन प्ले लिरिक्स मैंने जैसे बताया डायरेक्शन वॉज वेरी गुड. DOP जो थे उनके उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा. एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एज आई टोल्ड यू. सो यार आउट ऑफ 5 विजय जी को और मूवी को कितना स्टार देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 आई वुड लव टू गिव 4.5 फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. मूवी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी. बहुत मोटिवेटिंग थी. एंड हम जैसे यंगस्टर्स को लाइक ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है तो देखनी चाहिए. एक मूवी नहीं है रियल स्टोरी भी है विजय जी की. रियल स्टोरी उनके बारे में क्या कहना? बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है. उनसे थोड़े एडवाइसेस लाइक एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिजनेस की. कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड टिल यू सक्सीड. सो ये सब चीज़ें हैं. एक्शन और डायरेक्शन मूवी के कैसे लगे आपको? डायरेक्शन एंड स्टोरी इज परफेक्ट. फिल्म मेकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? आई एम सॉरी आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 4.5. थैंक यू. विजय आनंद मूवी कैसी लगी आपको? सी फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी यार. क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी ज़िंदगी में सीखने के लिए. आई थिंक जो उनका मोटो भी रहा है ना जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे या प्रिंटिंग प्रेस में थे बाद में फिर प्रिंटिंग प्रेस में आए न्यूज़पेपर निकाला तो उन्होंने हर चीज़ में क्वालिटी दी. आई थिंक उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी जो स्टार्ट किया है VRL फिल्म्स इसमें भी आई थिंक दे हैव शोड दैट क्वालिटी. मेकिंग बहुत अच्छी लगी. डायरेक्शन वॉज वेरी नाइस. परफॉर्मेंस वॉज वेरी नाइस. ओवरऑल आई लव द फिल्म. निहाल जी है मूवी में. निहाल जी का काम कैसा लगा आपको? नहीं निहाल जी का काम बहुत अच्छा लगा. हालांकि पहले हमने ज़्यादा देखा नहीं है इनका काम लेकिन वो मुझे लगे नहीं लगा कि बहुत एक्सपीरियंस और काफ़ी बड़ा नाम है. काफ़ी अच्छा काम किया क्योंकि कन्नड़ फिल्में मैंने भी ज़्यादा देखी नहीं है. अभी आपको भी पता है रिसेंटली लाइमलाइट में आई है तो हम ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्में देख रहे हैं. एंड लकली आई एम ऑल्सो एक्टर सो मैंने भी अभी एक रिसेंटली एक कन्नड़ फिल्म की है. सो आई लव द फिल्म. जी एक मूवी ने एक रियल स्टोरी दी है उनके बारे विजय जी के बारे में क्या कहना है? नहीं विजय जी की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है. जैसे उन्होंने स्टार्ट किया हम ऐसी कहानियां अक्सर सुनते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं. कुछ अच्छा सीखने को मिलता है कुछ अच्छा करने को हमें राह मिलती है कि हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए. तो उनकी लाइफ की जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है. आई एम वेरी लकी कि मुझे क्योंकि पहले हमें नहीं मालूम था कि VRL की हिस्ट्री क्या है
वो ये फिल्म के द्वारा हमें देखने को मिली, समझने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। एक्शन और डायरेक्शन कैसे थे मूवी के? बहुत अच्छा, उम्दा था। एज यूजुअल साउथ इंडियन फिल्मों में जैसा होता है वो ब्रिलियंट था। आउट ऑफ 5 इफ यू आर सेइंग, आई विल गिव 5। चलो, थैंक यू। Thank you.